गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मिन फ्रॉम CMIS, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पार्ट 19, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है। मोहित ने दादाजी का ऐनक तोड़ दिया, वह आग बबूला हो गए। आयुष अपनी माँ की आंखों का तारा है। ऊपर के वाक्यों में आग बबूला होना और आंखों का तारा, ऐसे वाक्यांश हैं जिनके अर्थ कर्म सा क्रोधित होना और बहुत प्यारा होना। इनके अर्थ सामान्य ना होकर विशेष है। ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। परिभाषा, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। कुछ प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ और प्रयोग। अंधे की लकड़ी, अर्थ एकमात्र सहारा। प्रयोग, मोहित अपनी बूढ़ी माँ के लिए अंधे की लकड़ी है। आँखों का तारा, बहुत प्यारा होना। प्रयोग, श्रवण अपने माता पिता की आंखों का तारा था। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप, अर्थ कपटी मित्र। प्रयोग, मेरा मित्र रमेश आस्तीन का सांप है, उसने मुझे धोखा दिया है। अकल का दुश्मन, अर्थ मूर्ख। प्रयोग, अनुराग की बात मत करो, वह तो अकल का दुश्मन है। आंखें खुलना, अर्थ सचेत होना।
प्रयोग। परीक्षा में फेल होने पर सविता की आंखें खुल गई। अंगूठा दिखाना, अर्थ साफ इनकार करना, प्रयोग। आलम से कलम मांगने पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। आंखों में धूल झोंकना, अर्थ धोखा देना, प्रयोग। अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जेल से भाग जाते हैं। ईंट से ईंट बजाना, अर्थ युद्ध में विनाश करना, प्रयोग। भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, अर्थ बहुत दिन बाद मिलना, प्रयोग। आजकल मेरा मित्र मोहन दिखाई नहीं देता, वह तो ईद का चांद हो गया है। उल्टी गंगा बहाना, अर्थ नियम के विरुद्ध काम करना, प्रयोग। आजकल हर कार्यालय में उल्टी गंगा बहती है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ अपना काम बनाना, प्रयोग। चुनाव में नेता लोग झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। कमर कसना, अर्थ तैयार होना।
प्रयोग। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कमर कस ली है। खून खौलना, अर्थ क्रोधित होना, प्रयोग समाज में फैले भ्रष्टाचार को देखकर अच्छे व्यक्ति का खून खौल उठता है। गुड़ गोबर करना, अर्थ काम बिगाड़ देना। प्रयोग हंसी की बात में अपुर के नाराज होने से सारा गुड़ गोबर हो गया। घी के दिए जलाना, अर्थ खुशी मनाना। प्रयोग स्वतंत्रता दिवस पर लोग घरों में घी के दिए जलाते हैं। चैन की बंसी बजाना, अर्थ आनंदित होना। प्रयोग चुनाव जीतकर नेताजी चैन की बंसी बजाते हैं। दाल में काला होना, अर्थ कुछ शक होना। प्रयोग सनकी आदमी को हर जगह दाल में काला नजर आता है। दांत खट्टे करना, प्रयोग बुरी तरह हरा देना, मुश्किल में डाल देना। प्रयोग कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 9-2-11 होना, अर्थ भाग जाना। प्रयोग पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। पीठ दिखाना, हार मानना। प्रयोग दुश्मन को पीठ दिखाना मौत से भी बदतर होता है। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना।
प्रयोग। सड़क पर गाड़ियां हवा से बातें करती हैं। फुला ना समाना, बहुत खुश होना। प्रयोग, परीक्षा में प्रथम आने पर अभिनव फुला ना समाया। कीचड़ उछालना, दूसरों की निंदा करना। प्रयोग, नेता लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। दंग रह जाना, आश्चर्य में पड़ना। प्रयोग, सर्कस में कलाकारों के कारनामों को देखकर सभी दंग रह गए। नाम कमाना, यश प्राप्त करना। प्रयोग, वीर अपना बलिदान देकर नाम कमाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? मुहावरों के अर्थ याद करें तथा उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।